हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतर सोल्यूशन है ये। अगर स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड आप फॉलो करेंगे तो ये जो मॉडल है, अगर आपके पास डेड हैंडसेट आए तो आप आसानी से उसका रिसॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। हैंडसेट पर चार्जर लगा हुआ है तो हैंडसेट ऑन नहीं है, चार्ज शो नहीं हो रहा है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है और आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। फर्स्ट हम इसका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है लेकिन हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। अगर बैटरी कनेक्टर पर प्रॉब्लम है तो सब बोर्ड चेंज कीजिए। सब बोर्ड चेंज करने के बाद जो कौन टू कौन एपीसीबी है इसको भी चेंज कीजिए। उसके बाद अगर वोल्टेज आ जाए, हैंडसेट ऑन नहीं होता है, तो उसके बाद का जो सोल्यूशन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मदरबोर्ड को निकाल कर इसका जितने सारे शील्ड है वो हम रिमूव कर लेंगे। और एक चीज़ सिर्फ डेड ही नहीं, मैं जितना आईसी है उसको भी आपको पहचान करवाऊंगा, और डिस्प्ले वाइट या कोई भी और दिक्कत आए वो भी मैं आपको इस वीडियो के ऊपर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें इस कैमरा को सब तो फ्रेंड, इसका जो जितना शील्ड था हमने शील्ड को रिमूव कर दिया। अब हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप कहाँ जा रहा है। पहले तो हमने बैटरी कनेक्टर को देख लिया, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है। बैटरी कनेक्टर के बाद हमें देखना है वोल्टेज कहाँ आना चाहिए। उसके बाद हमें मदरबोर्ड के जो पीछे की तरफ है इसके ऊपर हमें चेक करना है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपका आएगा डिस्प्ले लाइट, या डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, वाइट हो जा रहा है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का एक बबल सा दिख रहा है, गाम लगा हुआ है, इसके अंदर एक आईसी आपको मिलेगा, वो आपका आएगा ओवीपी यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर चार्ज इससे भी ब्रेक हो सकता है, चार्ज ना होने के कारण हैंडसेट चार्ज नहीं हो सकता है, तो ये हैंडसेट चार्ज तो बैटरी कनेक्टर पर आ रहा है, इसलिए चार्जिंग सेक्शन हमें नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ डेट का देखना है। और हाँ, एक और दो चीज़ से डेट हो सकता है। अगर आपके हैंडसेट लिक्विड डैमेज हो तो आप उसको खुद काम करके ऑन करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट है तो आपको शॉर्ट रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट कहीं से भी हो सकता है। तो ये हैंडसेट शॉर्ट नहीं है, मैंने पहले से चेक किया था, बिल्कुल डेड हुआ है। तो अगर चार्ज नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर भी चेक करना है, इसके पास भी आपका वोल्टेज आएगा, ये आपका चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, अगर मदरबोर्ड आप ऐसे पकड़ेंगे मदरबोर्ड को, तो ये जो आईसी लगा हुआ है ये चार्जिंग आईसी है, और ये जो आप आईसी देख रहे हैं एक छोटा सा लगा हुआ है, ये रहेगा आपका ओवीपी यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर आपका हैंडसेट में डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है तो ये आपका आएगा डिस्प्ले लाइट आईसी, और अगर डिस्प्ले में लाइट आ रहा है या वाइट हो रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो आपका आएगा ये जो आईसी देख रहे हैं
ग्राफिक्स आईसी। तो आप चार्जिंग इशू और डिस्प्ले का कोई भी इशू आए तो आप सिर्फ इसके ऊपर काम करके रिसॉल्व कर पाएंगे। फिर से देखिए, लाइट आईसी, ग्राफिक्स, चार्जिंग आईसी, ओबीपी, चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पावर टेस्ट करना है। जो पावर आईसी है, पावर आईसी के आसपास आपको वोल्टेज आना चाहिए। अगर पावर आईसी आपका सही है तो वोल्टेज फीडबैक आ जाएगा। तो हम थोड़ा पावर आईसी को चेक कर लेते हैं। और एक चीज़, अगर पावर आईसी के आसपास जो आईसी लगा हुआ है, देखिए मैं फुल बोर्ड स्पेसिफिकेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये रहेगा आपका ऑडियो सेक्शन, ऑडियो आईसी। अगर आपके फ़ोन में ऑडियो सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर काम करके ऑडियो सेक्शन आप सही कर सकते हैं। तो हम उसके बाद चेक करेंगे जो मेन पावर आईसी है, पावर आईसी के आसपास वोल्टेज शोर है या नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आप एक हैंडसेट लिए है, उसको सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, सॉफ्टवेयर डालते डालते वो हैंडसेट डेड हो गया। तो डेड हैंडसेट, उसके बाद आप जितने बार सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो हैंडसेट है हमें ओडिन मोड पर लाकर, यानी कि डाउन मोड पर लाकर सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। अगर डाउन मोड लाते सॉफ्टवेयर में फेल होकर वो डेड हो जाए तो उसको हमें बॉक्स से सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। तो अगर बॉक्स से भी सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो एक आईसी आप देख रहे हैं पावर के पास में, ये रहेगा फ्लैश आईसी। अब उसको आपको चेंज करना है। अगर डेड होने के बाद भी बॉक्स से आपका सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है तो डेड हैंडसेट पर अच्छे से देखिए, फ्लैश आईसी इस पर लगा हुआ है। तो चलिए हम पावर सेक्शन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। पावर सेक्शन के पास भी आपका वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब इसका जो पावर आईसी है वो सही है, ठीक है। तो अगर पावर आईसी भी आपका ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सीधे मदरबोर्ड को दूसरी तरफ, जो देख रहे हैं आप मीडिया का प्रोसेसर लगा हुआ है और ये ईएमएमसी पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मीडियाटेक प्रोसेसर है, मीडियाटेक जब हम पहले भी काम करते थे चाइना वाला मोबाइल पर, तो मीडियाटेक प्रोसेसर से बहुत दिक्कत आता था। ऐसे ही वोल्टेज आने पर डेड हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा था। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर पेस्ट ज़्यादा दिया हुआ है आसपास, तो हमें इस पेस्ट के आसपास देना है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैक्स गोल्ड तो मैक्स गोल्ड यूज़ कीजिए। मैक्स गोल्ड से क्या होता है, अगर आप रिसोल्डर बहुत अच्छी से मैक्स गोल्ड होता है, हमें आईसी के ऊपर ज़्यादा नहीं, आईसी के आसपास जो कैपेसिटर रेस्ट है उसको हमें हीट करना है। और ध्यान रखिए, अगर आप हीट कर रहे आपका जो जिस मशीन से आप हॉट कर रहे हैं तो उसको 350 पर रखना है और ज़्यादातर ज़्यादा 480 के अंदर आप बात नहीं लेना है, इसके अंदर ही आपको रखना है। और यार आपको खुद मेज़र करना है। अगर हीट करने के बाद भी हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है तो आपको सीधे रिमूव करना है, प्रोसेसर को रिवॉल्व कीजिए, डाल दीजिए, फिर हैंडसेट 100% ऑन हो जाएगा।
सो फ्रेंड फिलहाल हैंडसेट ऑन हो तो गया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एक हफ्ते अपने पास ही रखना है चेकिंग के लिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है उसके ऊपर काम करके हैंडसेट ऑन हुआ है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर था वो पेस्टिंग हुआ था, हमने चारों तरफ कैपेसिटर रजिस्टर को ही रिसोल्व किया है। अगर ये हैंडसेट फिर से बंद हो जाए एक हफ्ते या 10 दिन बाद, तो सीधे प्रोसेसर निकल कर रिवॉल्व कर दीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड अगर आप मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देखा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके प्लीज़ मेरे इनबॉक्स पर आप बता दीजिए कि आपको कौन सा हैंडसेट के ऊपर स्पेसिफिकेशन चाहिए, कौन सा आईसी के ऊपर चाहिए, या कोई अगर हैंडसेट है आपके पास कोई भी प्रॉब्लम पर आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द उसका रिपेयर सॉल्यूशन करके मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।